अब तक आपने देखा पुरोहित परिवार अपने कुलदीपक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, पर परिवार को पता नहीं है कि एक शैतान की नजर विद्या के गर्भ पर पड़ चुकी है और अजीबोगरीब हालत में विद्या शैतान द्वारा भेजी दाइमा की मदद से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के आते ही एक के बाद एक अपशकुन शुरू हो जाते हैं। मैंने सुना है जब दुर्योधन पैदा हुआ था ना, तब ऐसे ही गधों की आवाज गूंज रही थी। हाँ, पांचवे साल में कुलगुरु यशोधन आते हैं और घर में एक काले साये को भाप जाते हैं और उनका शक दाइमा पे जाता है। यशोधन उसे हर तरह से घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाइमा बाजी पलट देती है। चिराग संदूक में कैसे बंद हुआ था? यशोधन जी, मेहरबानी करके आप इस घर से प्लीज। परेश भाई, चिराग के पांचवें जन्मदिन से पहले यज्ञ पवित्र जरूर करवा लेना, तब आपको दाई की और कुलदीपक की सच्चाई समझ में आ जाएगी। यशोधन जी की बात में एक चेतावनी थी, जो भी है जैसा भी, अब मैं सच को जानकर ही रहूंगी। अब आगे। आपने बुलाया मुझे? हाँ, एक मुश्किल आ पड़ी है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अरे क्या हुआ बेटा, यू अचानक मेरे कमरे में कैसे आ गए? कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे भूख लग रही है। वो मेरा बेटा, अभी तुम्हें मेरे हाथों से कुछ खिलाती हूँ। हाँ, अच्छा। चिराग, हर बात में दाई माँ को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं खिलाती हूँ। ओके। चिराग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसकी माँ भी नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए ना मुझे बोल देना, मैं तुम्हें सब ला दूंगी। ये देखो, एरोप्लेन आया 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 आया, आया। ये अरे चिराग, धीरे धीरे खाओ बेटा, ऐसे नहीं खाते। मम्मा बहुत भूख लग रही है। हाल लेकर आती हूँ। ये लो, तुम्हारी रोटी आ गई। सब्जी खत्म हो गई, अभी लेकर आए। ये लो। अरे मैं अब भी रोटी लेकर आती हूँ। चिराग, धीरे धीरे खाओ ना। यार इतना क्यों खा रहा है? हे भगवान, सब खत्म हो गया। मम्मा नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ये क्या हो गया इसे आज?
यशोधन जी की बात में चेतावनी थी, कुछ भी हो जाए अब मैं सच को जानकर ही रहूंगी। चिराग का सच जानना चाहती थी ना, तो वही सच जान पाएगी जो मैं चाहूंगी। मम्मा आज बहुत खा लिया, नींद आ रही है, लोरी गाओ ना। अच्छा ठीक है। पानी का रंग कैसे बदल गया? पानी और बच्चों में एक सी समानता होती है, जब वो अस्तित्व में आते हैं तो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होते हैं, फिर उन पर जो संस्कार और जो शक्तियां हावी होती हैं वो उसी में ढल जाते हैं। जैसे पानी में अगर तुलसी को मिलाया जाए तो वो चरनामत बन जाती है, और अगर जहर घोला जाए तो वो विष बन जाता है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, अच्छे संस्कार दिए जाएं तो अच्छा इंसान बनता है, और अगर बुरे संस्कार दिए तो बुरा इंसान बनता है। चिराग क्या कर रहे हो बेटा? Thank you.
ये सबूत है जो दाई के कुकर्मों का राज खोल देगा। चिराग, बहुत प्यारे लग रहे हो, अब जाओ। चिराग, 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 दरवाजा खोल। भाभी, माँ, माँ, चिराग, 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 दरवाजा खोल। माँ, चिराग, 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 आपने चिराग को देखा? मैंने नहीं देखा। पर आप अंदर बंद कैसे हो गए? वो चिराग का चिराग पता नहीं कहाँ चला गया। अरे पर हुआ क्या? माँ पता नहीं उसने मुंह में काजल लगाया था, कहाँ चला गया? चिराग, चिराग, अरे चिराग, अरे बता तो क्या हुआ? फोन, हेलो, हेलो विद्या, तुमने चिराग के साथ क्या किया? चिराग, भाभी आपने चिराग को देखा? चिराग कहाँ है? खुद आकर अपने लाड़ले की हरकतें देख लो। वो तो अच्छा हुआ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई थी और आते वक्त मैंने चिराग को दामोदर चौक पर देख लिया। यहाँ हमारे खानदान का सो कॉल्ड कुलदीपक खानदान की नाक कटाने पर तुला हुआ है। आओ आकर देख लो अपने लाड़ले को। अरे क्या हुआ बेटा? अरे बता तो सही। चिराग कहाँ है? चिराग, खाना नहीं खाया था तो मैंने अपने घर का थोड़ा सा खाना इसके लिए छुपा के लाया था। मेरा बच्चा,
तो इसके लिए खाना लेकर आया था और पता नहीं मैं क्या क्या सोच बैठी। आपको क्या लगा कि मैं इतना सारा खाना खा लूंगा? मैं कोई राक्षस थोड़ी ना जो इतना सारा खाना खा लूंगा एक बार में। हाँ तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना, पर तू यहाँ पर डांस क्यों कर रहा था? वो क्या है ना कि बाला है ना, वो डांस करते करते बहुत थक जाता है, तो मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा था, और इससे ज्यादा पैसे भी तो मिलेंगे ना। तू तो सच में बहुत समझदार है। बाल कृष्ण है ये हमारा चिराग। यशोदन जी तो खामखा सबको डरा रहे थे। हीरा है मेरा बच्चा, और मैं बेवकूफ की तरह इसकी सच्चाई परखने लगी थी। सच्चाई परखने निकली थी मतलब? चिराग जब साइकिल चलाते चलाते बाहर चला गया, तब मैंने देखा कि ये किसी से बात कर रहा था। जब मैं वहां पर पहुंची तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। अब मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चिराग, किससे बात कर रहे थे तुम? पेड़ से। पेड़ से? भला पेड़ से कोई कैसे बात कर सकता है? मम्मी आप कहते हो ना कि पेड़ पौधे हमारे फ्रेंड्स होते हैं और उनमें जान भी होती है, तो तूफान आया था ना तो पेड़ डर गया था, तो मैंने उसे बोला कि मैं हूँ ना, तुम डरो मत, तो वो सुन के हैप्पी हो गया। तू सच में मेरा समझदार बेटा है। पता नहीं मैं तेरे बारे में गलत सोच रही थी, तू तो सच में इस घर का बाल कृष्ण है। चल घर चलते। ठीक है बाला, बाय। चल कितने बेवकूफ हो तुम सबके सब, मेरे दिखाए हुए झूठ को कितनी आसानी से सच मान लिया। इंसान भगवान का गुलाम है इसलिए हर बार फंस जाता है। अब तू इस सच को मानकर यज्ञोपवीत संस्कार करने की बात अपने दिमाग से निकाल देगी विद्या। गिरी? अरे वो अपनी रमीला मामी ने कहती है कि जब कोई चीज भूल जाओ तो उल्टे लौटकर वही जगह से शुरू करो जहाँ पे भूल गए थे, तो मैं ऐसे ऐसे उल्टा हुई माँ, हुई माँ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं उबी था टकरा गई। अरे मेरी भोली भाली मिली, अरे उल्टे जाने का मतलब वैसे ऐसे उल्टे पाँव चलना नहीं होता है। तो इधर इधर मैं तुझे दिखाता हूँ, उल्टे जाने का मतलब है ऐसे हाथ के बल उल्टा चलना। ओह पर ये तो मेरे को नहीं आता है। आता ये डिफिकल्ट है मिली, पर मेरी मिली मुझे ये तो बता कि तू भूली क्या है? अरे पर वो याद होता तो भूलती क्यों? इंटेलिजेंस मिली, तो कितनी इंटेलिजेंस है, पॉइंट है तेरी बात में, जोरदार पॉइंट है। ये क्या हुआ है? मिली तेरी बात में जो जोरदार पॉइंट था ना वो मुझे चुभ गया। ए जाओ ना। ए मिली, मैंने तुझे कुछ काम सौंपा था ना, और तू यहाँ खड़े खड़े इसके साथ गप्पे लड़ा रही है। मैंने तुझे कहा था ना कि चिराग की नजर उतारनी है, तो जल्दी जाके सारा सामान लेकर आ। तो गई क्यों नहीं? ए,
क्यों काकी माँ, वही तो कब से याद कर रही थी मैं। दिशा मान ले कि आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा इस तरफ है। यहाँ जो पाजी भूल गया, अभी आती हूँ। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? अच्छा हुआ यज्ञोपवीत की बात टल गई। अगर मुंडन हो जाता तो सबको निशान दिख जाता, और मैं ये निशान किसी को नहीं देखने दे सकती। चलो इसी बहाने निशान देख लेती हूँ। ये क्या कर रही है? दाई माँ बहुत अजीब हरकतें कर रही है, कहीं यशोदन जी का शक सच तो नहीं है?